हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, यानी कि मासिक चक्र के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चार पॉइंट को कवर करने वाले हैं। नंबर एक पॉइंट कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहते हैं। नंबर दो कि ये जो 28 दिन के पीरियड होते हैं, मासिक चक्र होते हैं, इनमें कब कब सेक्स करने से प्रेगनेंसी ठहरती है यानी कि रह जाती है, और कब कब सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। नंबर थ्री पॉइंट कि पीरियड के दौरान सेक्स करने से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या बेफायदे हैं। और नंबर फोर और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पीरियड के दौरान सेक्स कर सकते हैं या फिर नहीं। जी हाँ गाइस, बहुत सारे लोग इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं कि पीरियड में सेक्स करें या फिर नहीं, या फिर कब कब सेक्स करने से गर्भ में बच्चा ठहरती है, या फिर कब कब सेक्स करने से गर्भ में बच्चा नहीं ठहरती। ये सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं, तो इसीलिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैंने सोचा आप तक सही जानकारी पहुँचाई जाए, तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। तो अब जान लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहते हैं। पीरियड्स के दौरान फीमेल में एक यानी कि जो अंडा बना हुआ रहता है वो, और यूट्रस यानी कि गर्भाशय में तीन मसल लेयर पाए जाते हैं, उनमें से अंदर का जो लेयर होता है जिसका नाम इंडोमेट्रियम है, वो भी टूट टूट कर गिरता है, जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग 5 से 7 दिन तक रहती है। यानी कि पीरियड के दौरान फर्टिलाइज करने वाला एग निकल जाता है तो गर्भ ठहरेगी ही नहीं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, बशर्ते उस लेडीज को पीरियड ब्लड आते रहना चाहिए। क्योंकि अगर ब्लड आना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, उस लेडीज की मेंस साइकिल खत्म हो चुकी है, ये बुझा जा सकता है। अब बात करते हैं पूरे 28 दिन के पीरियड साइकिल के बारे में कि कब कब सेक्स करने से प्रेगनेंसी रहती है और कब कब सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं रहती। तो ये सब समझने के लिए आपको पूरे 28 दिन यानी कि मासिक चक्र के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। आपको स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कि पूरे 28 दिन यानी कि एक मासिक चक्र है। अब हम मान के चलते हैं कि कोई एक फीमेल है जिसे 1 तारीख को पीरियड आया है, तो उसे ब्लीडिंग होती है। किसी को 5 दिन तक, किसी को 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है। तो जब ब्लीडिंग हो रहा हो तब संबंध बनाने से ये बहुत कम चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी होने की, या फिर कहा जा सकता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती। और जब ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है तो उसके बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, दिन बाय दिन बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जब फीमेल को ब्लीडिंग हुई थी पहले दिन, उसके 14वें दिन ओवुलेशन होता है, यानी कि ये जो एग होता है फीमेल का वो ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। बस एक बात और जानने की जरूरत है कि ये जो एग है फैलोपियन ट्यूब में कितने दिन तक जिंदा रहता है, और जब मेल सेक्स करता है तो उसका स्पर्म फीमेल फैलोपियन ट्यूब में कितने दिन तक जिंदा रहता है। तो आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो एग है वो 1 दिन तक यानी कि 24 घंटा तक जिंदा रहते हैं, और ये जो मेल स्पर्म है वो 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। तो आपको बता दें कि 14वें दिन जब एग बन जाता है तब 14वें दिन या फिर 15वें दिन सेक्स करने से प्रेगनेंसी हो जाती है। और स्पर्म के 5 दिन तक जिंदा रहने की वजह से अगर 10वें दिन या फिर 11वें दिन या फिर 12वें दिन या फिर 13वें दिन भी सेक्स करते हो तो स्पर्म जाके फैलोपियन ट्यूब में 5 दिन तक जिंदा रहता है। तो 14वें दिन जब एग बन जाता है तो वो भी फैलोपियन ट्यूब में आकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 10 तारीख से 16 तारीख तक सेक्स करने से प्रेगनेंसी हो जाएगी। और अगर आप और भी सेफ रहना चाहते हैं तो 8 से 18वें दिन तक सेक्स को अवॉइड करें, यानी कि सेक्स ना करें, या फिर सेक्स करते समय प्रोटेक्शन का यूज कर संबंध बनाएं। इसके बाद जितने भी दिन हैं यानी कि 19 से 28 तारीख तक आप बिना प्रोटेक्शन के सेक्स कर सकते हैं, इसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब जान लेते हैं तीसरे पॉइंट यानी कि पीरियड के समय पे सेक्स करने से क्या क्या फायदा होता है और क्या क्या बेफायदा होता है। तो पीरियड के दौरान अगर आप सेक्स करते हो तो फीमेल में हार्मोन जैसे कि ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, इंडोरफिन लेवल बढ़ जाते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये हैप्पी हार्मोन्स है। अगर ये रिलीज होते हैं पीरियड्स के दौरान तो फीमेल का पेट दर्द है, कमर दर्द है या फिर सिर दर्द है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि आपका पेन थ्रेशोल्ड भी बढ़ जाता है, यानी कि दर्द सहने की कैपेसिटी होती है। ये हार्मोन बढ़ जाने की वजह से ये दर्द सहने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है।
तो फीमेल में फायदा क्या हुआ? उसका पेट दर्द कम हो सकता है, उसका सर दर्द कम हो सकता है, उसका कमर दर्द कम हो सकता है, ये हो गया एक चीज। और इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन पीरियड के दौरान काफ़ी हो जाता है, तो हैप्पी हार्मोन बढ़ जाने की वजह से ये चिड़चिड़ापन भी कम हो जाते हैं। और एक फायदा कि पीरियड्स के दौरान जो ब्लड रिलीज होता है वो नेचुरल ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, तो जिस किसी फीमेल को बेजाना ड्राई रहने की समस्या रहते हैं वो ड्राई रहने की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और एक बात, अगर आपको सीवियर पेन हो रहा हो तो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से ये कम हो जाएगी ऐसा नहीं है, आपको उस समय पे अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक बात, ये फायदे आपको तभी मिलेंगे जब मेल और फीमेल दोनों पार्टनर इच्छुक है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए, क्योंकि तभी क्या होगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो पाएगा फीमेल के बॉडी में, तभी फीमेल को फायदा होगा। सिर्फ मेल पार्टनर इच्छुक है तो उससे नहीं होगा। तो इसीलिए पीरियड्स के दौरान अगर इच्छा नहीं है तो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए ज़बरदस्ती ना करें। अब जानते हैं बेफायदा के बारे में कि ये जो नॉर्मल वजाइना का पीएच होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वही पीरियड्स के दौरान जो वजाइना का पीएच लेवल होता है वो अल्कलीन होता है, जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या लाइक HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी जैसे बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ कि पीरियड के समय पे सेक्स करना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका आंसर है, अगर मेल और फीमेल दोनों पार्टनर इच्छुक है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए तब सेक्स कर सकते हैं, बशर्ते आपको प्रोटेक्शन जैसे कि कंडम इस्तेमाल करना है ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस यानी कि खतरा कम हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चार पॉइंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और इसी तरह का अच्छे अच्छे हेल्थ से रिलेटेड टिप्स पाने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।